दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो हेल्प्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी अभी बिट्रेक्स और बाइनेंस पर लिस्टेड हुए हैं कुछ ही दिनों पहले। इस कॉइन का नेम है मेनफ्रेम और इसका कोड है MFT। इसके CEO मिक हेगन है और इसके CTO कार्ल यंग ब्लड है। इनके CEO माइक हेगन, इन्होंने एक कंपनी चालू की थी जिंक नाम की, जो कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और उनके कॉलेजेस में हेल्प करती थी। और कुछ समय बाद इन्होंने ये कंपनी को सेल कर दिया और जो इनके CTO हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर कार्ल यंग ब्लड, ये एक इंजीनियर है ऐप डेवलपमेंट के और ये ब्लॉकचेन के साथ 2010 से जुड़े हुए हैं और ये साथ में ही एक इन्वेस्टर है क्रिप्टो करेंसी में बहुत टाइम से। इनकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये मेन फ्रेम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है और मेनली कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा लीकेज हो जाते हैं कम्युनिकेशन करते समय, क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंसी या कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होता है मैसेंजर्स में जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो इन्होंने अपना एक ऐप भी डेवलप किया है जिसका नाम है ONYX, जो कि इनकी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है और ये इनक्रिप्टेड है पूरा और पीयर टू पीयर है। इसमें कोई भी डाटा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इन्होंने पूरी श्योरिटी ली है इसकी सिक्योरिटी की। तो ये बेसिकली कंपनीज़ को और गवर्नमेंट्स को बहुत हेल्प करने वाला है और सारा डाटा सिक्योर रहने वाला है इनकी टेक्नोलॉजी मेन फ्रेम के ऊपर। तो इनका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनके वाइट पेपर की बात करें तो 35 पेजों का वाइट पेपर है और इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है सारी टेक्नोलॉजी के बारे में। इनके सोशल मीडिया की बात करें तो ये टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉग पर अवेलेबल हैं। इनके टेलीग्राम में 2,38,000 से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब्ड हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये सारे सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छे से एक्टिव हैं। ये टोटल 10 एक्सचेंजेस में लिस्ट हैं बाइनेंस और बिट्रेक्स को मिला के, जो कि बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं। इनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है और इनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और 12 लोगों की टीम है इस कॉइन की, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल लंदन से बिलोंग करते हैं। और इस कॉइन का फ्यूचर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस कॉइन को एक बार अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।